देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या यानी जो पहले से दी हुई संख्या उनका अनुपात 3:8 है। तो संख्या ज्ञात करें, मान लेते हैं संख्या के इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो है x, तथा दहाई का अंक जो है y है। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दस वाई प्लस का एक्स। अब यहाँ प्रश्न से देखिए क्या है, कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर में 9 पहला समीकरण यही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या यानी कि 3x प्लस वाई कर देते हैं, और प्रदत्त संख्या जो दी हुई है 3y प्लस एक्स, इन दोनों का अनुपात जो है 3:8 है, यानी कि 3:8 लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 10x प्लस का वाई और इधर 3 × 10y प्लस का एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, 80x प्लस का 8y इधर 30y और प्लस का 3x, इन दोनों को इधर लेके चले जाते हैं, देखिए क्या हो जाता है, 80x प्लस का 8y माइनस का 30y माइनस का 3x = 0। ये घटा देते हैं, 77x और माइनस का यहाँ पर 22y = 0। यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना, 11। 7x माइनस का 2y = 0, 11 जगह भाग में 0 हो जाएगा, 7x माइनस 2y = 0। ये समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देते हैं और 1 में 2 से, ताकि y के गुणांक सेम हो जाए। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस का 2y = 18, और यहाँ पे यही रहने देते हैं, 7x माइनस 2y = 0। ये साइन चेंज है, ऑलरेडी कट जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर में 18 ये जाएगा भाग में, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर में 9, तो x की जगह 2 रख देते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। y और x आ गया, तब लिख सकते हैं 2, इसलिए दो अंकों की जो संख्या में निकालनी थी 10y प्लस का x, यानी कि 10 × 7 और प्लस का 2, 72 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन।